अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से होंगे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद है आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होंगी मेरी। आज आप लोगों को मैं जो है एक गलों के रिलेटेड बताता हूँ चीज़ा। आप लोग तकरीबन नोटिस करते होंगे जब अपना ये इश्यूज जो दिख रहे ना, तंगुस जो घसे जाने का, स्पेशली वो इससे घसे जाता, ठीक है, गलों की ये कोने से घसे जाता। जब मच्छी भागती कुछ भी होती ना, तो इस तरीके से घसे जाके ज़्यादातर चांसेस ज़्यादा तंगुस टूटने के यहीं से रहते। तो इसको अपन किस तरीके से फिक्स करना मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। आप पहले तो आपके तीन गल ले लो आपके, ठीक है, जो भी साइज से आप खेलते वो तीन गल ले लो आपके, ठीक है। लास्ट टाइम जैसा मैं बताया था आपको वीडियो में कि ये जो कंप्यूटर की वायरिंग के टुकड़े रहते, आप उसको जो है एक छोटा सा हिस्सा काट लो इस तरीके का, ठीक है। और आपका 50 नंबर का तंगुस जो भी है आप ले लो, एक टुकड़ा रखा मैं इधर। तो आप इसको क्या करो, इस तरीके से काट लो। काटने के बाद आप क्या करो, ये वाला पॉइंट जो है इसमें पिना दो, ठीक है। इतने तो जरूरत नहीं है, थोड़ा अपन छोटा कर देना इसको, बहुत बड़ा हो गया तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इतना काफी है। आप उसके बाद आपके तीन गल ले लो। तीन गल बनना किस तरीके से है मैं बताया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में है आपके पास, मैं सिर्फ आपकी ये डेमो के लिए मैं मेरे हिसाब से बन के बता रहा हूँ। ये क्या है, तकरीबन लोग नहीं बताते भाई आप लोगों को, किसी को भी। खैर, अपनी अपनी मर्ज़ी है। काफ़ी लोग जो है शिकार का स्पॉट भी नहीं बताते भाई। शिकार अगर कहीं अच्छा हो रहा ना, तो उन लोग ऐसा समझते कि जैसे कि उनकी खुद की पाली भी मच्छी है, तो बताए तो जो है अपना शिकार ख़त्म हो जाता समझते। एनीवे, ठीक है, आपको तीन गल बनने का वीडियो देखना है तो आप देख ले सकते हैं, दूसरे वीडियोस में है। मैं अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए बनूँ करके थोड़ा जल्दी जल्दी बन दे रहा हूँ, ठीक है। सब शिकारियों का अपना अपना तरीका रहता है भाई, सबको अपने अपने तरीके से पकड़ना बोल के रहता, सबको अपने अपने हिसाब से जो है चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो मेरे को मेरे हिसाब से जो भी पसंद आता मैं वो हिसाब से बता दूँ पब्लिक को। और एक एक बात क्या है, नॉलेज जब अपन किसी को बताते या सिखाते ना, तो अपनी नॉलेज और थोड़ा बढ़ती, क्योंकि फिर से अपन ब्रशअप कर लेते जो भी अपन को चीज़ें आते, खास करके वो ब्रशअप कर लेके अपन क्या है अपनी नॉलेज बढ़ा लेते। लेकिन तकरीबन ये फील्ड में देखा मैं, पुराने लोग असल को ही नहीं बताते, क्योंकि हम एक्सपीरियंस करे सो ये चीज़ों को। मच्छी कहाँ मिल रही नहीं बोलते, शिकार कहाँ हो रहा नहीं बोलते, छुपाते ये चीज़ों को। तकरीबन छुपाने की जरूरत ही नहीं है भाई। लास्ट में आगे से तीन गिटियाँ मार लेना इसको, करते करते आता सब चीज़ आई है, एकदम से नहीं आता है। ठीक है, ये सब पकड़े खींच लेना, उसके बाद इसको एक गिटी मार देना। ये पुरनिया डालने से अच्छा क्या है,
ठीक है, यहाँ से आपका काम हो गया। ये रहा ये एंड, ये एंड जो है ना इसके टाइम पे अपन ये जो पिनाए थे ना पुनी, इसको पीछे से लेके यहाँ पे लगा देना। लगा के इसको जो है तंगूस कभी भी क्या है अपन गलांग खोलते ना इस तरीके से नहीं खेलते अपन, तंगूस इसके बीच में से आता कभी भी। तो अपन क्या करना है इसको, ये ऐसा खोलो, ये वायर अंदर से लो, इसको फोल्ड कर दो। देख लिए, अब ये घसे नहीं आता ये, क्योंकि इसके ऊपर अपन जो है ये लगा दिए वायर का टुकड़ा, तो तंगूस घसने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और जितना हो सके भाई लोग इतना शेयर करिए। देखो मेरे पास और सैंपल्स भी मैं जो बनाया, देखिए मैं तकरीबन पूरों को पूरे चढ़ावों को जो है इसी तरीके के पूर्णियाँ लगे हुए रहते हैं। ये देखिए ये गलों की सेफ्टी के लिए आपको पुर्निया पिनाना बेहतर रहता, नहीं तो ये इश्यूज आते, तंगूस घसे जाता यहाँ से और बुदबुदा हो जाता, टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते। बड़ी मच्छी लगी जब टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते, ये रहने से क्या है सेफ्टी रहती। देख रहे ना आप लोग, चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कुछ है तो आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए भाई, थोड़ी आप लोगों से गुजारिश है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।